राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और रिची गए हैं खेतों पे। एक तो जो ज्वार बोई थी वो देखने गए हैं, क्योंकि अभी छोटी छोटी है ना, तो हमारे यहाँ ना जैसे तांगे चलते हैं, तो जो तांगे वाले होते हैं ना उन पे खेत वेत नहीं है, वो बस ईंट वीट ढो के या फिर ऐसे काम चलाते हैं। तो उनके जो पशु हैं, पशु वो घोड़े ही पालते हैं, घोड़े घोड़ी ये पालते हैं। तो उनके लिए चारा नहीं होता खिलाने के लिए, तो वो ऐसी घास चराने जाते हैं, तो वो बैठ जाते हैं कहीं, उन्हें ध्यान नहीं रहता, और घोड़े मतलब दूसरों के खेतों में घुस घुस के चारा खा जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें भी देखने गए हैं, और पौध में लगाने गए हैं, पानी कल लगा नहीं पाए थे। मतलब यार आज पता है क्या हुआ आपको? एक बात बताती हूँ मैं। परसों नीजी मुझसे बोल रहे थे कि पता है कि वो जो एक्टर है, एक एक्टर है, उसने सुसाइड कर ली। आप जानते होंगे, मेरी बात से समझ गए होंगे, है ना? मेरी बात से समझ गए होंगे। जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, मुझे पहले उनका नाम मैं नाम से नहीं जानती थी, बाय फेस जानती थी, क्योंकि मैं उनका सीरियल देखती थी पवित्र रिश्ता, और फिर उनकी पिक्चर आने लगी। तो अभी बताऊंगी मैं आपको। तो उन्होंने मुझसे बोला, विनी जी ने, कि है ना पता है एक एक्टर ने सुसाइड कर ली, और इस साल में ना कितने सारे एक्टर ख़त्म हो गए, ऐसा लॉकडाउन आया है, 2020 ऐसी आई है। उनकी अब कौन मर गया? तो ये बोले कि अरे कोई था, अरे तूने देखा होगा। फिर उन्हें ना वो ना तो वो ज़्यादा मूवी देखते हैं ना सीरियल देखते हैं, और ना मैं ज़्यादा मूवी देखती हूँ ना सीरियल देखती हूँ। और अब तो टीवी तो बंद है, पता नहीं कितने टाइम से कुकू ही देखती रहती है, क्योंकि रामायण वगैरह चल रही थी इस वजह से। और हमें शौक नहीं है ज़्यादा, और मुझे ज़्यादातर एक्टरों के नाम भी नहीं पता, जो फेमस है ना उनके ही नाम पता है, वैसे नहीं जानती मैं सीरियल एक दो देखती थी, उनके भी मुझे नाम नहीं पता, बाय फेस जानती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये साल ऐसी आई है। अब मेरी जो जेठो थे वो मुझसे बोली कि ना चाची एक एक्टर ने सुसाइड कर ली, और तुमने मुझसे बात नहीं कही, तुम तो बहुत मतलब ऐसे बातें करते हो। हम लोग है ना कभी भी कोई केस हो जाता ना, ऐसे मर जाता कोई या फिर, तो हम है ना उस टॉपिक पे बातें करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कौन था? अरे वही जो जिसके वो वाला गाना था, लमिया सी जुदाइयाँ। मैंने कहा अरे, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा वो तो नई उम्र का है। तो बोली कि हाँ पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने फिर पता है जल्दी से यूट्यूब पे देखा आके घर पे, मैंने कहा क्या हुआ क्या कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ टीवी नहीं, हम चलाते ही नहीं है, बस बेटी कार्टून देखती है और मम्मी रामायण वगैरह ये सब जो आते हैं वो देखती हैं। मैंने देखा यार, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पता है उनकी बातें बताती हूँ, मैं जब शादी हुई थी तब पवित्र रिश्ता आता था, पवित्र रिश्ता जो था सीरियल था, तो मैं पता उन्हें देख के कहती थी कि यार मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले, क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग था वाइफ की तरफ से उस सीरियल में जो उनका रोल था। मैंने कहा काश मुझे भी ऐसे हस्बैंड मिले। तो हालांकि मिले हैं, पर थोड़ा तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम तो होता नहीं है, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, तो वो अपनी जगह है। तो अब फिर ना उनकी पिक्चर आने लगी, मैंने कहा भाई ये बंदा ज़रूर सुपरस्टार बनेगा। और फिर उनकी फिल्में आने लगी आने लगी, मैंने कहा देखो भाई ये सीरियल में आता था और अब क्या। अब पता अचानक मैंने कल अभी सुना, कल सुना था आज नहीं, तो मुझे बड़ा शॉक सा हुआ यार। यार ऐसे हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि हम सुसाइड कर लेते हैं? यार आप एक्टर थे, आप काफ़ी ऊंचाइयां छू रहे थे, ऐसी क्या बात बनी यार? कोई भी डिप्रेशन था तो फैमिली से शेयर करनी चाहिए थी। एक फैमिली, एक हमारा जो है कुछ, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, केस हो, तो एक फैमिली है, चाहे गुस्सा करके चाहे कैसे भी उस जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका हल निकाल ही देते हैं, चाहे डांट के सही चाहे फटकार के सही, मन निकल ही आता है। बड़ा दुख हुआ यार सुन के। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही कहूँगी। मतलब और जल्दी से ये केस सॉल्व भी हो जाए, कुछ पता चले, और इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने सुना है इंजीनियरिंग होल्डर थे आप, डिग्री होल्डर थे, काफ़ी अच्छी रैंकिंग थी आपकी। यार इतना कुछ, यार वो लाइन छोड़ के चलो, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो आप इस जगह कहीं और कहीं भी आप अप्लाई कर सकते थे यार, अगर आपको कोई कुछ लगा हो ऐसा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, एक सुसाइड यार हल नहीं है यार। अभी मैं खाने में बनाऊंगी, मैं पता है फैन बंद करके आपसे बातें करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। अभी मैं खाने में बना रही हूँ, मेरा मन था बहुत दिन से कचौड़ी खाने का चटनी के साथ, मेरी कमोड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा।
तो मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और चटनी बनाऊंगी लहसुन प्याज वाली। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि भारी है दही और भी नीचे गए खेतों पे। तो ये लग रहा है पानी। आपको जैसे पता ही है कि हम इंजन से ट्रॉली से पानी भरते हैं। उस दिन देखो ये घास साफ की थी फिर निकल आई। इतनी जल्दी जल्दी घास निकलती है और ये ना पानी के बहाव को रोकती है, पर क्या करें। पर थोड़ी कभी कभी हम टाइम मिलता है तो साफ कर जाते हैं। और ये है हमारी पौध जो हमने उस दिन बोई थी, धान का बीज जो पौध जो बोया था। इसे देखो सारी कुत्ते कह रहे हो, कुत्ते फफेड़ गए हैं सारे। ये देखो कितनी बेकार कर गए हैं, सच में बड़ा दुख हो रहा है। पर ये है कि चलो अभी छोटी है तो अपनी ग्रोथ अच्छे से पकड़ लेगी। अगर बड़ी होती और कुत्ते बेकार कर जाते ना तो नहीं पकड़ कर पाती। अभी तो कुछ ऐसी गंदी गंदी सी लग रही है। और ये इधर हमारे बाजू में हमारे ये जो हो रही थी, ये देखो इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। और ये नीचे लाए थे सब्जी थोड़ी सी। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर। तो तुम तो गलत बोल रहे हो। डर जाएगी, डर जाएगी, अब बाहर निकालो मच जाएगी। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाई नो पापा ओपन योर माउथ। मैंने चटनी बना ली है, चटनी एकदम सादा बनती है ये, आप भी ट्राई करना। मैंने बस 3 टमाटर डाले थे, 6 से 7 कली लहसुन की डाली है और हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसा तीखा खाते हो, और नमक काला और सफ़ेद, और बस ग्राइंड कर लिया। और इसमें राई और हींग का तड़का लगा रही हूँ सरसों के तेल में। सच्ची में बहुत अच्छी लगती है, आप बना के देखना कभी भी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी लगती है सबको, मम्मी को छोड़ के। और मैं ये बना रही हूँ आपका कचौड़ियाँ। ये रिफाइंड का पैकेट रखा था तो खोल लिया, तो हम मैं ना हर चीज़ में कंजूसी दिखाते, इसे ऐसे ही नहीं फेंकते। रिफाइंड के पैकेट को खोल के और उसमें आटा वगैरह गूँथ लेते, क्योंकि काफ़ी ऑयल रह जाता है उसमें। और अब कचौड़ियाँ बनी हैं तो लोइयों पे लगा लेंगे, तो हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। और विनी जी करेंगे फिलिंग इसकी कचौड़ी की, मैं बेलूँगी, काफ़ी हेल्प कराते हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वे कहते हैं कि गर्मी में चल हेल्प कराऊँ तो तू भी जल्दी काम से फ्री हो जाएगी और फिर आराम से छत पे चलेंगे बैठ के खाएंगे। तो हम लोग है ना जो है, मम्मी भी ऊपर चली गई थी तो मम्मी के लिए भी ऊपर ही खाना भिजवा दिया था, और हमने भी ऊपर ही खा लिया था, बना के रख ली थी कचौड़ियाँ और ऊपर छत पे ले गए थे। शूट इसलिए नहीं किया कि है ना छत पे एक तो रोशनी नहीं है, और कैमरे में जो फ्लैश लाइट है उसकी फोकस अच्छी आती नहीं है, तो इसलिए शूट नहीं किया। मैंने इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, एकदम सिंपल भत्ता बनाया है। हींग जीरा नमक मिर्ची धनिया हरी मिर्च बस यही, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और आटा जो गूंथा था वो भी सिंपल गूंथा है, खाली नॉर्मली गेहूं का आटा, और उसमें थोड़ा सा मोमन डाल लिया है, हल्का सा बहुत, क्योंकि मम्मी के लिए मना है इसलिए। तो ये बन रही मेरी कचौड़ियाँ। और ये देखिए एकदम सिंपल सा भरता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मसाला भी अभी हम कम ही खा रहे हैं मम्मी की वजह से, ये विनी जी ने भर के रख दिए, मैं इन्हें बेल के तैयार कर दूँगी। और ये देखिए ये तैयार है मेरी थाली, साथ में है दही और लहसुन टमाटर की चटनी और करारी करारी कचौड़ियाँ। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और विनीत जी कर रहे मम्मी के लिए दूध ठंडा। मतलब हमारे जो दूध वाला है ना वो रात को लेट आता है, एक तो सुबह आता है और शाम को जो है ना हम सबको पीने के लिए आता है। मैं तो नहीं पीती, मैं बस सुबह 1 कप चाय लेती हूँ, क्योंकि ताकि वीकनेस फील ना हो इस वजह से। और जब घर की भैंस दूध देती है तब पी लेते हैं सभी, अभी तो बस मम्मी और बच्चे ही दूध पी रहे हैं। और मम्मी भी अब छत पे सोने लगी है, पहले वो नीचे सोती थी,
मैं और विनी जी सोते थे और हमारे यहाँ छत पे दो ही चारपाई हैं, तो मैं नीचे चटाई बिछा के मैनेज कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है वाकई में। और मम्मी और विनी जी चारपाई पर सो जाते हैं, तनु विनी जी के पास सो जाता है, काव्य मेरे पास सो जाती है। आज मैंने ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, एक तो ना नेट इशू रहता है, ये सोचती हूँ कि ना जैसे भैंसेस के लिए वहाँ पे प्लॉट में जाती हूँ तो आपको रिप्लाई देना होता है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक मैसेज पे क्लिक करना होता है, वो 6 घंटे मैसेज ऐसे चलता रहता है। तो वो भी और विनीत जी भी ना आज दीदी के घर गए थे, सिटी गए थे, तो वो भी थे नहीं, तो मैं दूसरे फ़ोन से मैनेज कर लेती हूँ, एक से रिप्लाई देती हूँ, दूसरे से शूट कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसे ही था आज। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय।